असलम स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप लॉल विल बी फाइन टुडे इज़ आवर नाइनटीन लेक्चर एंड वी आर डूइंग आवर एक्सरसाइज एक्सरसाइज टू ए एंड टूडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर फोर विच इज़ वेरी सिम्पल विच ऑफ़ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई फोर तो हमें डिविजिलिटी रूल्स जो हमने पढ़े थे हमें वो पता होने चाहिए तो हमारे लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हैं उन्होंने कहा है कि ये जो नंबर्स उन्होंने आपको दिए हुए हैं आपकी बुक में से ही हैं ये नंबर्स ये आप बुक में आपका पेज नंबर ट्वेंटी नाइन पे क्वेश्चन नंबर फ़ोर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय फोर कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनमें से कौन कौन से नंबर फ़ोर के ऊपर डिवाइड हो जाएंगे तो उसके लिए हमने फ़ोर uh, के डिविजिबिलिटी रूल uh, जो पढ़ा था वो ये था कि हमारा जो ये वन्स और टेंस है तो हम क्या देखेंगे कि हमारा जो वन्स और टेंस पे जो नंबर हैं जैसे इधर नाइन्टी सिक्स अगर नाइन्टी सिक्स फ़ोर पर ईज़िली डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय फोर ठीक तो हम 96 को डिवाइड करके देख लेते हैं फोर टू ज़ार एट नाइन माइनस एट वन सिक्सटीन फोर फोर सिक्सटीन तो ट्वेंटी फोर इसका मतलब है कि ये इसके ऊपर नाइन्टी सिक्स इसके ऊपर एग्जैक्ट डिवाइड हो गया विद रिमाइंडर ज़ीरो तो हम कहेंगे कि वन नाइन नाइन सिक्स इज़ डिविजिबल बाय फोर कि ये बी फोर पे डिवाइड हो जाएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टू थाउजेंड हमने एक और भी इसका रूल पढ़ा था फोर का कि जो आपका यूनिट और टेंथ वाला नंबर है वो एक तो फोर पे एग्जैक्टली exactly डिवाइड हो जाना चाहिए या आपके यूनिट और टेंस प्लेस के ऊपर अगर ज़ीरो ज़ीरो आ रहा है तो वो नंबर बी फोर पे एग्जैक्टली exactly डिवाइड हो जाएगा सो टू थाउजेंड इज़ डिविजिबल बाय फोर ठीक नेक्स्ट है हमारा नंबर टू थ्री सिक्स ज़ीरो सिक्स अब ये देखें पहली बात पहली बात कि हमारे यूनिट और टेंस के ऊपर ज़ीरो ज़ीरो नहीं है और दूसरी बात ये जो नंबर है ज़ीरो सिक्स अगर हम इसको फोर पे डिवाइड कर भी दें तो ये इसके ऊपर एग्जैक्ट एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा हमारा कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा सो टू थ्री सिक्स जीरो सिक्स इज नॉट डिविजिबल बाय फोर ठीक तो नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय सिक्स अब हमने ये बताना है कि सिक्स से कौन से नंबर्स हमारे डिवाइड हो रहे हैं तो सिक्स का हमने डिविज़िबिलिटी रूल सॉरी सिक्स का हमने डिविजिबिलिटी रूल ये पढ़ा था कि पहली बात कि वो इवन नंबर होना चाहिए और दूसरी बात कि वो थ्री का मल्टीपल होना चाहिए ठीक तो ये दोनों जिसके ऊपर अप्लाई होंगे तो वो सिक्स के ऊपर इजीली डिवाइड हो जाएगा जैसे कि ये नंबर है एट सिक्स टू टू ये टू के ऊपर डिवाइड हो रहा है ठीक सो इट इज़ एन इवन नंबर एंड अब जब हम इसको ये देखें ये टू है इसका इवन यूनिट प्लेस के ऊपर तो ये इवन नंबर हो गया अब हमने ये देखना है कि एट सिक्स टू टू के डिजिट्स को जब हम प्लस करेंगे एट प्लस सिक्स प्लस टू प्लस टू क्या आ जाएगा हमारे पास एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन एटीन हमारे पास आया सो एटीन इज़ अ मल्टीपल ऑफ थ्री तो इसका मतलब है कि ये इवन नंबर भी है और ये थ्री का मल्टीपल भी है या थ्री पे ये डिवाइड भी हो रहा है सो वी कैन से एट सिक्स टू टू इज़ डिविजिबल बाय सिक्स तो हम ये कहेंगे कि ये सिक्स पे डिवाइड हो जाएगा ओके okay जी नेक्स्ट ये इवन नंबर है बिकॉज यहाँ पे एट आ रहा है अब जब हम इसको प्लस करते हैं फोर प्लस सेवन प्लस ज़ीरो प्लस वन प्लस एट क्या आएगा हमारे पास सेवन प्लस फोर अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइन्टीन ट्वेंटी जब हमने एट प्लस किए, तो हमारे पास क्या आया ट्वेंटी सो ट्वेंटी इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ थ्री ये थ्री पे डिवाइड नहीं होगा सो फोर सेवन जीरो वन एट इज नॉट डिविजिबल बाय सिक्स ये सिक्स पे डिवाइड नहीं हो सकता नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो हमारा बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हो सकता बिकॉज इट इज़ नॉट एन ईवन नंबर सो वन फोर सिक्स थ्री इज नॉट डिविजिबल बायस नेक्स्ट इट इज एन इवन नंबर बिकॉज थ्री नाइन फाइव एट टू यूनिट प्लेस के ऊपर टू है इट इज एन इवन नंबर अब हमने ये देखना है कि ये थ्री पे डिवाइड हो जाएगा कि नहीं थ्री प्लस नाइन प्लस फाइव प्लस एट प्लस टू नाइन 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27. जब हमने ये सारे डिजिट्स प्लस किए तो हमारे पास क्या आया? 27, which is a multiple of 3. ये 27 जो है ये 3 पे divide हो जाएगा. So we can say that 39582 थ्री नाइन फाइव एट टू इज डिविजिबल बाय सिक्स ओके सो आपको ये पता लग गया कि हमने ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं हमने अपना जो हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स थे हर क्वेश्चन के लिए हर नंबर के लिए फोर का डिविजिबिलिटी रूल सिक्स एट नाइन टेन फाइव टू थ्री फोर ये सारे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये रूल्स पढ़े हैं कि क्या क्या रूल होना चाहिए uh, किसी भी नंबर के ऊपर एक नंबर को डिवाइड होने के लिए या डिविजिबल होने के लिए तो आपको ये अगर रूल्स बहुत अच्छी तरह पता है तो हमारे लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है थैंक यू